देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने सभी राज्यों की चिंता बढ़ा दी है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के कारण दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। वहीं आज सुबह की बात करें तो आज सुबह एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के टैंकरों को लेकर दिल्ली पहुंची। कोरोना काल के ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए इस कमी को झेलने के बाद दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और इसी क्रम में आज सुबह एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लिक्विड ऑक्सीजन की खेप लेकर पहुंची। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ ही बेहतर तरीके से वितरण करने के लिए 3 IAS अधिकारी समेत 20 से अधिक कॉल सेंटर कर्मचारियों को नियुक्त किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में मंगलवार के दिन कुल 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि 244 टन ऑक्सीजन कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसका मतलब साफ ये हुआ कि 24 घंटे में कुल 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। राजधानी दिल्ली के एम्स और RML हॉस्पिटल में DRDO के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट गुरुवार से काम करना शुरू कर देंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।